प्रतिज्ञा बन जाए। क्या बकवास कर रहा है, पैसा देने के बाद डिलीवरी होना चाहिए ना, रास्ता क्या होता है, जीजा जी को अब तक घर में होना चाहिए। अरे तो मामा हमको काहे डांट रहे हो यार, हम तो पैसा सही जगह पर पहुंचाया गया, अब काहे बाबूजी की डिलीवरी नहीं दी, हमको क्या पता, कोनो और कारण भी तो हो सकता है ना, साला वैसे ही बाबूजी की तबीयत सही नहीं रहती। मामा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पकड़े जाने के डर के चक्कर में कहीं बाबूजी को मार दिया हो जान से। शक्तियों कहा बोला तू, बेशरम, ई देखो ई हमरे घर की लीला, वो हमरे बाऊजी के घर आए की खुशी में हमरे घर के लोग इतने मगन हो गए कि हमको कोनो फोन करके नहीं बताया कि बाऊजी कैसे हैं, का हाल है उनका, सब मतलब ही है, तब सिर्फ अपनी खुशी देखते हैं। का हम अपने बाऊजी की बेटी नहीं है, का हमको उनके घर आए की खुशी नहीं है का? कोमल बेटा, बेटा इसमें परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है, हो सकता है कि उन लोगों के दिमाग से निकल गया हो। तुम ऐसा करो कि अपने घर खुद ही फोन करके अपने बाबूजी का हालचाल पूछ लो। हाँ ये सही रहेगा, हम फोन कर लेते हैं। शक्तिया कह रहा है पैसा रख के आया, फिर क्या हो सकता है? ए शक्ति, अरे भांजे अरे आजा राजा, बैठ के बतियाते, आजा आजा। अरे यार बहुते जमाना हो गया था तुम्हारे साथ बैठ के बतियाए हुए। हमको पूरा किस्सा आराम से बताओ, शुरू से लेके अंत तक, कि का हुआ, कैसे हुआ ये सब? तुमने का बताया मामा? अम्मा सब कुछ बताए तो दीस। ही बताओ, सज्जन बहू नहीं दिखाई दे रही है। दादी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो अपने कमरे में आराम कर रहे। चलो अच्छा है वो कमरा में आराम करे, तो नहीं तो परेशान हुई के हिया हुआ घूमत है, कभी कोई का गरियात है, कभी कोई का मनहूस कहत है। अच्छा है। अरे प्रतिज्ञा, बाबा नहीं आवा अभी तक का? नहीं दादी, कृष्णा कल रात से घर नहीं आए, हमने उसे फोन भी किया था लेकिन उसने हमारा फोन भी नहीं उठाया, हमारी उससे कोई बात नहीं हो पाई। लियो बाबा तो आ ही गवा, बाबा सज्जन के कहीं पता चला?